Hi, welcome to the Mohua Show. My name is Mohua Chanapa, and I am an author, entrepreneur, and ex-housewife. This podcast is about everything from business to technology to arts to lifestyle, but done and spoken, Eman se. Hi, in today's episode we have Zoravar Singh, also called Nur Zora. By any traditional standards, Zorawar Singh has chosen a very noble profession. Although he's a teacher, our guest is way more famous as a performer and a dancer. His stage name is Noor Zora and he's gifted as a Gidda performer. Gidda is a popular folk dance form of women in the Punjab region. When he started, appreciation did not come easy. Asan nahi tha unke liye. In fact, Noor has been labeled and been shunned, shamed. But today, नूर लीड्स हिज ओन डांस ट्रूप नूर इज इंडियास फर्स्ट मेल गिद्दा डांसर वेलकम नूर आज शुरुआत करते हैं नूर आपसे एक सवाल करके कि सबसे ज्यादा कौन हैरान रहते हैं आपके परफॉर्मेंस देखकर जवान मुंडे या औरतें सारे सभी लोग जी सभी हैरान रह जाते हैं सबसे पहले तो वो हैरान रहते हैं कि हमारा जो कॉस्ट्यूम्स है वो इतना ट्रेडिशनल होता है जब हम गाड़ी से उतरते हैं छन छन वो हमारे ट्रेडिशनल रिंग्स वो सग्गी, वो बैंगल्स होती हैं तो उसको देखकर दे ऑल द पीपल स्टंट फील स्टंट तो सभी हैरान रहते हैं पहली तो फर्स्ट एक्सपीरियंस की हैरानी जो होती है तो उसके बाद जब हम जब हम स्टार्ट करते हैं ढोलक से जो ताल होती है हमारे साज का जो साज को हम नमस्कार करते हैं तो गिद्धे की क्लैप स्टार्ट होती है तो सभी लोग बहुत हैरान होते हैं तो फिर जब हम गिद्धे के पिड़ में दाखिल होते हैं हमारी अड्डी की धमक चलती है क्लैप और बोलियां और हमारी बॉडी लैंग्वेज जैसे लिफ लिफ के डांस करना तो फिर तो बॉयज भी गर्ल्स भी इवन जो ए, एज्ड लेडीज होती हैं जिन्होंने अपनी जवानी में बहुत गिद्दा डाला होगा पचास साठ साल पहले जब ये ट्रेडिशन था गाँव में घर घर में जब फंक्शन पे गिद्धा डाला जाता तो वो इतनी खुश होती हैं और हैरान होती हैं तो वो तो हमारे साथ हग करती हैं और हमारे साथ डांस करने को चाहती हैं तो जितने मुंडे जो ये सारे जवान मुंडे आते हैं उन सबको आप कैसे चुनते हो आपके ट्रूप में लेने के लिए उनके अंदर जरूर कुछ ना कुछ फेमिनिटी होती है या उनको बहुत ज्यादा बिलीफ है इस पे या अनएम्प्लॉयड कि जिनको कोई डायरेक्शन नहीं है और उनको आप हाँ लाते हो आप आपके गिद्धा ट्रूप में ही बिकॉज आप तो बहुत पैशनेट हो नहीं ऐसा है कि जो मेरे ट्रूप में जो पहले था देखें ऐसा होता है ना हमारे यहाँ पंजाबी में एक कहावत है जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर जी तो ऐसा होता है कि जब एक से मेंटल सेटअप वाले लोग मिलते हैं तो मेरा ख्याल है जो हमारे इंडिया में और थ्रू आउट वर्ल्ड हैं जिनके अंदर फेमिनिटी ज्यादा बैठी है जैसे साइकोलॉजिकली उनके अंदर मैं कहता हूं कि मेरे अंदर एक औरत है तो औरत जब देखती है जब वो क्रिएटिव होती है तो डांस फोक सॉन्ग्स कुछ क्रिएटिव करना कुछ खाना बनाना कुछ एम्ब्रॉयडरी करना कुछ नेटिंग करना तो औरत जो ट्रेडिशनली करती आई है तो ज्यादातर लोग अब जो मुझे ज्वाइन करते हैं तो वो उनके अंदर वो चीज़ होती है कि मैंने यार डांस करना है और उसके बाद ऑप्ट क्या चीज करनी है डांस गिद्दा करना है डांस फिल्मी डांस करना है डांस उन्होंने किसी एक्ट्रेस वर्ग डांस करना है तो मेरा ख्याल है जो मेरे कॉन्टेक्ट में लड़के आते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं क्योंकि हम गांव के लोग हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ने वो गिद्धा डाला होगा अपनी मामी चा, चाची मासी के साथ अपनी बड़ी बहन के साथ तो फिर जब वो मेरे कॉन्टेक्ट में आते हैं मेरे प्रभाव के नीचे आते हैं तो वो मेरे जैसा ही लुक मेरे जैसे ही कैस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज मेरे जैसी ही क्लैप मेरे जैसी ही फीलिंग्स वो लाने की कोशिश करते हैं वो कितना ला सकते हैं कितना ला पाते हैं वो तो डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितना कैलिबर है आपसे मैं जितना बात कर रही करी नूर मुझे मतलब जो सवाल मेरे दिल के अंदर आ रहा है ना कि आपको किस उम्र में इस चीज़ से एहसास आपका आया कि आपके अंदर वो जो फेमिनिन एनर्जी है जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है आप कह रहे हो कि आप गांव में रहते हो और गांव के अंदर आप ये सारे परफॉर्मेंस करते हो आसान तो नहीं रहा होगा आपको ये चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए तो ऐसा कोई इंसिडेंट रहा होगा जो आप मेरे सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहोगे और उनको उससे हिम्मत बढ़े क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ करने का मन है पर वो डरते हैं क्योंकि हमारी जो समाज है ना वो अलाउ नहीं करते वो हर चीज में डिविजन डालते हैं कि औरत ये करेगी तो मर्द ये करेंगे और आपके जैसे लोग इन सब चीजों से जूझ के बिल्कुल यू नो लड़ के आप आगे बढ़ रहे हो तो ऐसा कुछ रहा होगा आप जो हमारे तो उसकी जो शेड्स हैं मेरे साथ जो थोड़ा थोड़ा वो जैसे बुरश छोहे कहते हैं ना उसको वो था मेरे इस गिद्दे के फील्ड के ना टू फेजेस हैं मैं आपको बताता हूँ बचपन से जैसे मैं अपने घर में सबसे छोटा और सबसे लाडला और स्पून फीडिंग के साथ सबसे छोटा भाई छह मेरे चाची की लड़कियां एक मेरी खुद की बहन और मैं लड़का तो मुझे जब अप हुआ तो ऐसे हुआ फिर मेरी दो तीन मासी की लड़कियां एक मेरे मामे की लड़की तो मुझे जो पालन लालन पालन हुआ तो ऐसा हुआ कि मैं घर की छोटी लड़की हूँ तो पांचवी क्लास तक मेरे को फ्रॉक्स डाली जाती थी मेरे को कहीं मेले में उन्होंने जाना मेरी बहनों ने तो उन्होंने मेरे लिए झांझरें खरीदनी चूड़ियाँ बाय करनी उन्होंने तो जब मैंने अपनी मासी के गांव जाना तो उन्होंने कहना हम अपनी छोटी बहन के लिए यहाँ से झांझरें खरीदी तो वो झांझर की पहली छनकार जो मेरे मनस में बीज रूप में बैठी थी तो वो चूड़ियों की वो छोटी बीनी की कलाई में जो चूड़ियां थी प्लास्टिक की थी वो स्प्रिंग चूड़ियां होती थी बचपन में मेले में से खरीदनी थी तो उनकी जो छनकार है वो मेरे मन पे ऐसे सहजे सहजे बैठती गई छनकती रही तो उसके बाद जो गांव में ट्रेडिशन था मैं अपनी बहनों के साथ आस पड़ोस के शादियों में जाना तो वो लोग गीत गाती थी बैठ के रात रात को लंबी लंबी ढोलक के गीत गाने और फिर शादी के दिन बारात की रवानगी के बाद गिद्दा डालना तो वो जब मैं छोटा से अपनी बहनों की उंगली पकड़कर वहां पर जाता था तो वो मेरे बचपन से देखे ये तो नहीं हो सकता कि मैं उनसे सीख गया एक गॉड है भगवान है वाहिगुरु है उसने मेरे मन में एक बीज रखा था उस बीज को जब वो लाइट मिली जब वो पानी मिला जब वो हवा मिली एक्सपोजर मिला तो वो बीज बीज पुंगने लगा होगा वाहिगुरु से आपकी कभी फेथ डगमगा गया बिकॉज आसान तो नहीं रहा कभी मुझे कभी मुझे। भी नहीं आसान नहीं रहा तो मैं आपको बताता हूँ तो तो सद्दा आना पंजाबी में कहते हैं सद्दा फिर तो जोरे को बुलाओ तो गांव में मुझे जोरा ही कहते थे जोरावर तो मेरा मेरे फादर साहब ने बड़े चाओ से नाम रखा था तो उसकी भी बड़ी कहानी है कि जोरावर क्यों रखा उन्होंने क्यों रखा था जोरावर जरूर बताए मेरे फादर साहब पढ़े लिखे थे मेरी फैमिली सभी पढ़ी लिखी थी मेरे फादर साहब मिलिट्री में थे जी तो वो उस वक्त के पढ़े लिखे थे तो वो दो ही बच्चे चाहते थे मेरी चाची जी मुझे बताती थी कि तेरे पापा तुझे नहीं चाहते थे तेरी माँ को उन्होंने बहुत सारी दवाइयां खिलाई कि तुम ना आओ मीन्स टू सेक अबाउट हो जाए ये बच्चा लेकिन मैंने जन्म लिया तो मेरे फादर साहब ने जब मैंने जन्म लिया पटियाला में माता कौशल्या हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ तो मेरे फादर ने कहा कि ये तो अपने जोर से आ गया तो इसका नाम जोरावर है ये मेरे नाम की एक कहानी है कि तुसी आप देखो कि मैं अनवांटेड चाइल्ड था मेरे पेरेंट्स मुझे चाहते नहीं थे कि ये तीसरी औलाद हो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो मेरे फादर साहब ने चाहा था मेरी माँ को दवाइयां दवाइयां खलाने के ये ना हो तो मैं फिर भी आ गया तो क्यों आया अगर मैं अब पिछल झाट मार कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि गॉड ने मुझे इस काम के लिए बनाया था मैं तो तब आया कभी ये फीलिंग रही होगी नूर आपको कि आप ज़रावर जो थे जो अभी तो आप मुझसे नूर जरा बात कर रहे हो और मैं एकदम बहती जा रही हूं आपकी बातें सुनते हुए आपको कभी लगा होगा कि जैसे आपने जो एक वर्ड इस्तेमाल किया है अनवॉन्टेड चाइल्ड मतलब ये जो फीलिंग रही है आपके दिल के अंदर कभी ये हैज इट मेड यू फील वेरी नेगेटिव समटाइम्स नहीं नहीं कभी नहीं उसके बाद क्योंकि ये तो मेरी चाची जी ने बताया था ना मुझे वो भी जब जब मैं बड़ा हो गया चौदह पंद्रह सोलह साल का हो गया जब समझने लेकिन मुझे जो मेरे माता पिता ने जब जो पाला मेरा सबसे ज्यादा बड़ा प्यार मेरे पिताजी से था मेरे फादर साहब से था उसकी मैं हादसे वाली बात बताता हूँ कि मैं जब चौदह पंद्रह सोलह साल तक पंद्रह साल तक अपने फादर साहब के साथ सोता था एक बार ऐसा हुआ कि मेरे फादर साहब कहीं रात को गए हुए थे मैं सो गया तो मैं मम्मी के साथ पड़ा था तो मैंने मम्मी के मुंह पे हाथ फेर कर देखा कि यहाँ तो दाढ़ी नहीं है फिर मैं रोने लगा तो मुझे कभी भी आफ्टर बर्थ या जब मैंने सोजी संभाली तो मुझे कभी भी अनवांटेड चाइल्ड का कहीं भी मेरे मन में या कहीं भी मुझे ये देखना नहीं पड़ा क्योंकि मुझे मेरे फादर ने माता ने भाई और बहनों ने ऐसा पाला कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अनवांटेड था ये तो मेरी चाची जी के लफ्जों से मुझे पता चला कि वो चाहते नहीं थे लेकिन तू आया तो उन्होंने मेरे मेरे को जो नाम दिया वो भी इतना बड़ा नाम दिया सिंह वर्सिंग कि ये अपने जोर से आ गया तो उसके बाद उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ਚਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਭੀ ਵੀ 1% 000000009 ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ बिल्कुल माइक्रो भी नहीं था आज आपने इंटरनेशनल नेशनल फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया है और, और सबसे ज़्यादा आपने कहाँ परफॉर्म किया इतने सारे परफॉर्मेंसेस में से स्टेट में हुआ है या लोकली हुआ है या नॉर्थ इंडिया के अलावा और भी कहीं और इंडिया में और बाकी जगह जाके आपने क्योंकि गिद्धा जो एक डांस फॉर्म है क्योंकि मैं दिल्ली में पली बढ़ी हूँ तो मैं गिद्धा जानती हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे मेरी बेस्ट फ्रेंड पंजाबी है बट बहुत सारे लोग नॉर्थ के बाहर जानते नहीं है गिद्दा के बारे तो आपको ये परफॉर्मेंसेस के लिए बुलाया जाता था बाकी जगहों में और पंजाब में आपको कितनी रिकग्निशन हुई है पंजाब में तो पंजाब में नहीं थ्रू आउट वर्ल्ड मुझे रिकग्निशन हुई तो वो कब हुई देखो मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये 22 साल हो गए मुझे करते लेकिन जो प्रॉपर एंड फुल फ्लेज रिकोगशन मिली वो 2014 से मिली उसकी भी एक छोटी सी एक एपिसोड हुआ कि मेरा नाम नूर जोरा से पहले जोरावर गिद्दा कोच दे तौर तो पर भी बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ पे पंजाब में जब यूथ फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ पे लड़कियों के कंपटीशन गिद्दे के होते हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं तो 2014 में एच एम बी कॉलेज जलंधर जो कि एक रिनाउमड कॉलेज है थ्रो आउट इंडिया लड़कियों का कॉलेज है तो उन्होंने मुझे 2013 में बुलाया गिद्धे की कोचिंग के लिए 13 में हमारी टीम जोन में फर्स्ट आई इंटर जोन वो गए नहीं 14 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में हमने इंटर जोन विन किया तो इंटर जोन विन करने के बाद लड़कियों ने देखो सोशल मीडिया को मैं मुझे सोशल मीडिया कभी भी वर्तना नहीं आया अच्छे से तो मेरी जो स्टूडेंट्स थी उन्होंने मेरा लोक रंग नाम से पेज बना दिया फेसबुक पे तो उसका पर्पज था कि कभी कोई फोटो डाल देंगे कभी कोई लड़कियों की ट्रेनिंग की फोटो डाल देंगे या लड़कियों के साथ फोटो डाल देंगे तो मुझे तो वो भी यूज नहीं करना आया था तो तभी एक छोटा सा फंक्शन हमारा वहां पे एक दसवीं क्लास में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे को फोन दिया उसने दो तीन मिनट का हमारी परफॉर्मेंस का जो वीडियो बनाया वो मैंने उस पेज पे पेस्ट कर दिया तो अगले ही दिन मुझे थ्रू वर्ल्ड मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि किस देश का नंबर है ये अमेरिका का है ऑस्ट्रेलिया का है न्यूजीलैंड का है कनाडा का है यूके का है अभी तक मुझे समझ नहीं आता कि ये नंबर कहाँ कहाँ के हैं <laughs> तो आपके ही ही हाँ, तो दूसरे ही दिन मुझे इंटरनेशनल कॉल्स आने लगी तो मुझसे इंक्वायरी होने लगी क्या चार्ज करते हो हम आपको बुलाएंगे तो लॉकडाउन से पहले हमें बहुत सारी ऑफर्स थी कि हमने आपको डिफरेंट कंट्रीज में बुलाना है लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया दो साल तीन साल तो अब दोबारा ये स्टार्ट होंगे मैं गॉड पे विश्वास रखता हूँ मैं यही कहता हूँ जहां जहाँ का दाना पानी पंछी चोग है ये जहाँ जहाँ हमने चोग चुगना है वहां वहां हम हर हालत में जाएंगे और थ्रू आउट वर्ल्ड नूर नूर जोरा लोक रंग नूराट का नाम वो वाहिगुरु ने मेरे भगवान ने मेरे गॉड ने बना दिया आज मैं आपके साथ हूँ मुझे तो मालूम ही नहीं था मैंने तो मैं आपको नहीं जानता था मैं तो एक सीधा सा सा लड़का हूँ तो घर पे है फिर टीचर है स्कूल में है और हाथ में झाड़ू है सफाई बहुत पसंद है घर पे हूं तो मेरे सारी दिहाड़ी हाथ में झाड़ू रहता है तो लेकिन जो मेरे आर्टिस्ट हैं मैं उनको बताता हूं कि भाई आप जो हो वो लगने नहीं चाहिए जब आप परफॉर्मेंस के लिए जाते हो तो आप आर्टिस्ट हो तो फुल फ्लेज आप उस करेक्टर में खूब जाओ तो वो परफॉर्म करो लेकिन जब उस करेक्टर से बाहर बाहर हो गए तो फिर मैं टीचर हूँ मैं अपनी माँ का बेटा हूँ अपने भतीजों का चाचा हूँ और गाँव में मास्टर जोरावर हूँ और मेरे प्रोफेशन में मैं जोरावर मास्टर जी हूँ तो ये एक अलमीरा है उसके डिफरेंट जो खाने हैं उनमें रखा जाता है और मैं रख भी लेता हूँ और मैं बहुत जल्दी जो हैं वो भी भूल जाता हूँ खुशी है वो तो मैं बहुत जल्दी भूलता हूँ उसके आगे चल पड़ता हूँ कि ये हो गया तो हो गया थैंक गॉड इट्स थैंकफुल शुक्रिया और उसके आगे क्या होगा क्या बात है नूर मैं तो मतलब एकदम <laughs> आपसे मैं जितनी बात करूँ मैं चुप हो जाती हूं क्योंकि आपके पास इतने सारे खजाने हैं आपके पास तो यू नो जिंदगी के बारे और आपके फ़न को लेके आपके आर्ट को लेके तो नूर मुझे एक और सवाल करना था आपसे और भी बहुत सारे सवाल है और एक सवाल जो करना था मुझे कि जो लड़के आपके पास आते हैं उनको कभी लगता होगा कि ये डांस करियर नहीं है गिद्दा का फ्यूचर नहीं है और उनको कुछ और नौकरी भी ढूंढनी चाहिए आ, ऐसा कभी रहा होगा जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कभी भी आपके जो मुंडे होते हैं मेरा जो ये फील्ड है जो भी आर्टिस्ट आते हैं मैं उनको बॉन्ड नहीं करता कभी भी मैं और आ, आ, दीज डेज जो भी मेरे को मेरे पास आर्टिस्ट हैं दस बारह पंद्रह बीस उनमें से एटी टू नाइनटी परसेंट जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने सभी ने मेकअप में हेयर में नेल्स में स्किन में डिग्रीज की हुई हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से और जब हम फ्री होते हैं तो वो फ्री लांस वहाँ पे चंडीगढ़ रहकर या किसी अकेडमी में रहकर ट्रेनिंग देते हैं तो वो वहां से अर्न करते हैं और मैं किसी को बॉन्ड नहीं करता कि आपने देखें आपका वो भी कैरियर है अगर मेरे से आपको उधर पेमेंट ज्यादा मिलती है तो वो आप, आप कर लेते हैं लेकिन जो मेरा गिद्धा है वो इतना उनके मन में बस जाता है तो कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी जॉब छोड़कर भी आपके साथ गिद्धा पाएंगे तो ये गिद्धा है मैं तो खुद को कहता हूं कि गिद्धा गिद्धा करता मैं तो खुद ही गिद्धा हो गया तो जो मेरे आर्टिस्ट हैं वो भी मेरे रंग में इतने रंगे गए कि वो अपनी बड़ी बड़ी जॉब्स भी छोड़ देते हैं कि हमने तो गिद्धा करना है भाई तो मैं कभी किसी को जोर नहीं देता आ, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कि सीखने के लिए आओ सेवा के लिए जाओ क्या बात है नूर एक थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस पूछने थे आपसे कि आपके पापा जी को कैंसर थे एंड यू नो तब मम्मी आपकी गई हुई थी आपके बहनों के बच्चों को देखने के लिए और ये सिस्टर है टेकन हर लाइफ एंड देयर वाज नो वर्क द ओनली वर्क अवेलेबल वाज नॉट फिट यू नो एंड आपके भाई ट्रक के काम में थे तो सबकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तो आती है हर इंसान की जिंदगी में और अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाया आपने उस टर्न पे और सब कुछ उस टाइम पे शायद आपको खत्म लग रहा होगा बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल तो उसमें से आप कैसे निकले नूर तो देखिए ऐसा है कि एक बड़ा खुद को जैसे कहते हैं कि खुद को तशद देना होता है जब जब इंसान इंट्रोवर्ट हो जाता है तो जो इंट्रोवर्ट होना है सबसे पहले तो खुद को तशद्द देना है कि लोगों से तोड़ लिया क्योंकि जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्यार था मेरे पापा जी और मेरी बहन थी सिस्टर की डेथ हो गई थी तो उसके बच्चे थे तो ऐसा हुआ कि मैं भी अब खत्म हो गया हूँ पढ़ाई मेरी रुक गई है तो मैंने एक बार अपने ब्रदर से कहा भी था कि मुझे भी आप ट्रकों के इसी ट्रैक्टरों के काम में लगा लो तो उसने मुझे ये बोला कि तू बड़ा सोफिस्टिकेटेड है तो बड़ा सोहला है तू काले हाथ नहीं करेगा तो फिर मैं इंट्रोवर्ट हो गया मैं अंदर अपने घर के अपने कमरे के अंदर वड़ गया मैं इवन गर्मी में भी पखा नहीं लगाता था और नीचे सोता था जो उन दिनों एक मेरा सहारा थी वो थी किताबें मैं आपको बताऊं कि आठवीं से दसवीं क्लास तक मैंने रशिया का लिटरेचर में जो असली इंसान की कहानी एक किताब थी वो मैंने पढ़ ली थी मेरा दागिस्तान में दसवीं के बाद पढ़ लिया था एक हमारे पंजाब में ज्ञानी गुरदित किताब है मेरा पिंड तो वो मैंने पढ़ ली थी सिख हिस्ट्री मैंने पढ़ ली थी बहुत सारा इंडिया की हिस्ट्री जो अब मुझे याद नहीं मेरी किताबों ने मुझे सहारा दिया और उसके ज्यादा जो मुझे सहारा दिया गुरबाणी ने मैं सूफियों के जो शब्द थे बाबा फरीद के शाह हुसैन बुल्ले शाह उनको सुनता था और उसके बाद मैडम नूर जहान जो इंडो पाक की दरनाम सिंगर है उसका मैं बड़ा फैन हूँ और फैन रहा हूं फैन रहूंगा जो उसकी रग की लो थी उसने मुझे सबसे बड़ा सहारा दिया क्योंकि उसका एक गीत पंजाबी का अलहीला सारी दुनिया दो दो हो गई अपना दामे कल्ला साडा ये अल्लाई अल्लाह ये मेरी जिंदगी का एक सूत्र बन गया तो इसने मुझे इसके गीतों ने उस गुर ने बाबा फरीद के श्लोकों ने शाह शा, बाबा नानक के साहिब ने और फिर जो लिटरेचर पढ़ा अच्छा वाला लिटरेचर पढ़ा वो अंदर बढ़ गया मैं अपने कमरे में तो मैं टूटा था लेकिन किताबों ने मुझे पंख दिए नूर की आवाज ने मुझे आवाज और तरन्नम दिया जो आज मैं हमारे गिद्दे के खाड़े में खड़ा 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 बोलिए जोड़ देता हूँ बोलियाँ और जो बोलियों की डिफरेंट तरज़े म्यूजिक बना देता हूँ वो मुझे मैडम नूर जहां की शाहराग से मिला और जो मैं अपने भगवान को हाज़र नाजर जानता हूँ वो मुझे गुरबानी से शाह हुसैन बुल्ले शाह से मिला स, आ, आ, बाबा फरीद से मिला तो इस चीज मैंने तशद खुद पे किया जब इंसान खुद पे तशद करता है तो वो मेरा ख्याल है जैसे एक गीत था अताउल खान ईसा खिलवी साहब का सा अपने अपनी एक छंटे से एक विप से मारते हो तो वो जो पित्तल है पीतल है वो सोना बनता है तो मैंने खुद पे तशद किया वो तशद क्या था मैंने लोगों से तोड़ लिया तो फिर मैंने अभी मैं परफॉर्म करता हूँ जहां पे वहां भीड़ होती है लोग मुझे देखते हैं लेकिन मैं अकेला होता हूँ जो मैं परफॉर्म करता हूँ मुझे लिए मुझे नहीं मालूम मैं किसके लिए परफॉर्म करता हूँ लगता तो ये है कि लोगों के लिए परफॉर्म करता हूँ लेकिन जब मुझे गिद्धा चढ़ता है तो मुझे लगता है कि वो गिद्धे के लिए परफॉर्म करता हूँ मैं मैं मालूम नहीं किसके लिए मैं शाह हुसैन के लिए परफॉर्म करता हूँ मैं बुल्ले शाह के लिए परफॉर्म करता हूँ मैं गुरु गुरुओं के लिए परफॉर्म करता हूँ मैं अल्लाह के लिए परफॉर्म करता हूँ मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं लोगों के लिए परफॉर्म नहीं करता लोगों का जो रंग था वो मैंने मॉडिफाई किया ग्लैमराइज किया पॉलिश किया लोगों के सामने रख दिया लोगों ने मुझे मेरे फन को गले से लगा लिया पहले उन्होंने मेरे गिद्धे को गले से लगाया बड़ी देर बाद जब मेरी इस रूप में जोरावर के रूप में मेरी इंटरव्यू आई बीबीसी सेपी तो फिर लोगों ने मुझे भी गले से लगाया पहले मेरा फन था फन क्या है गॉड है वैग्रू है भगवान है वो बुल्ले शाह है बादशाह सेन मैं आपके साथ बिल्कुल इस बात से सहमत हूं जब फन दिया जाता है वो तो एक एक कोई एक स्पेस से आता है जिस स्पेस को हम देख नहीं पाते बस महसूस कर सकते हैं उस चीज को आपकी सबसे पहली परफॉर्मेंस जो रही है आपके ब्रदर के फ्रेंड की शादी में थी जब आपने कहा था कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा हिचक और हेजिटेशन थी आपको कि मैं कैसे कर लूंगा और दूसरों के ताने भी एक जगह आपको कहीं ना कहीं शायद डर डाला होगा आपके अंदर तो आपने ये सारी चीज़ें जब क्रिटिसिज्म तो ज़रूर रहे होंगे जैसे आपने शुरुआत में कहा तो उन सब चीज़ों से आपने किस तरीके से अपने आप के अंदर वो हिम्मत आपने बढ़ाया बिल्कुल देखो मैंने आपसे पहले बात की थी कि दो फेजेस थे मेरे गिद्दे के एक तो वो फेज था जब मुझे सदे आते थे तो कई बार ऐसा होता था गांव में कोई किसी के घर पे मैंने गिद्धा डालने जाता जाना तो गिद्धा तो लड़कियां औरतें भाभी है डालती हैं चाचियां है, ताइयां है डालती हैं तो कई बार उन घर का कोई मेल पर्सन कोई बड़ा होता था उन्होंने मुझे बाँ से पकड़कर बाहर निकाल देना चल तू हमारी लड़कियों के साथ नाचता है तो वो मेरे मन पे एक छंटा हो जाता था एक दुख एक चीज होती थी मैं निकल जाता था वहां से लेकिन फिर मैं जाता था नेक्स्ट टाइम फिर जाता था ये घटना मेरे साथ मेरे साथ दो तीन बार हुई उसके बाद ये फेज खत्म हो गया मैं स्टडी में पढ़ गया फिर मैं बड़ा हो गया डलसेंस पीरियड आया मेरी सुपर ईगो ने काम किया तो मैंने ये काम छोड़ दिया घरों में जाना लोगों के गिद्धों में जाना तो जो मेरी सुपर ईगो थी उसने मुझे बहुत बचाया अगर मैं मैं समझता हूं कि अगर तब मैं जाता रहता तो मैं शायद बागी हो जाता और हो सकता है मैं फिर कहीं और जो डांसर डांस के जानर्स हैं हमारे पंजाब में मैं उनमें रल जाता हो सकता है मैं थर्ड जेंडर्स में रल जाता लेकिन फिर मैंने स्टडी पे जोर दिया तो स्टडी करते करते एक दिन ऐसा आया कि हमारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल था वहां पे जब गिद्धे की बारी आई तो जब मैंने वहां लड़कियों को विद्या परफॉर्म करते फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन देखा तो वो जो बचपन में विद्या था इरिस्पेक्टिव ऑफ दोज कंट्राडिक्टरी मोमेंट्स तो विद्या फिर मेरे मन में जो जैसे कुदाड़ियां मारने लगा मुझे जगाने लगा तो फिर मैं दो तीन साल ऐसा हुआ कि जब भी यूथ फेस्टिवल होना मैंने वहां से निकाल लेना कि कहाँ पे गिद्धा मैं गिद्धा देखने जाना तो फिर मैंने स्टडी की देखा कि भाई इसकी बोलियों की लोक गीतों की तो स्टडी होती है ना मैं इस फील्ड में जाऊं तो फिर हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी डिपार्टमेंट डॉक्टर नाहर सिंह जी होते थे बहुत बड़े फोकलोरिस्ट हैं वो तो मुझे जब पता चला कि उन्होंने पंजाब के गिद्धे पे लोकगीतों पे सीठनियों पे घोड़ियों सुहागो पे उन्होंने बहुत सारी स्टडी की है तो मैं उनसे मिला तो जब मैं उनसे मिला तो उन, उन्होंने मुझे कहा कि आप गाकर सुनाए तो जब मैंने दो तीन गाकर गीत सुनाए तो वो हैरान रह गए वो टिपिकल ट्रेडिशनल जो ट्यून्स हैं हमारे गीतों की तो उसके बाद फिर जो हमने बताया कि मेरे फ्रेंड के भाई की शादी थी वहां पे मैंने हमने वो ड्रामा किया कि नहीं भाई हम कुछ करेंगे है ना तो वहां पे हमने आस पड़ोस की लड़कियों से नवी नवी ब्याही हुई बहुओं से ज्वेलरी ली कपड़े लिए घाघरे लहंगे लिए तो हमने तीन फ्रेंड्स ने वहां पे गिद्धा डाला तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया वो ये था कि भाई उन लड़कों को बुलाओ हमारे घर पे भी वो परफॉर्म करें उनको बोलो वो साई कितनी लेते हैं तो मुझे भाई इरिटेशन हो, होने लगी कि ये साई साई वर्ड से मुझे जिसको टोकन मनी कहते हैं तो तो अब तो हम खुल के कहते हैं कि हम इतना टोकन लेंगे भाई आपसे तो तब मुझे ऐसा लगता था कि भाई हम हैं हम नहीं साई लेंगे हम, हम तो शौकिया करते हैं जी। तो ये अब जब धीरे धीरे शौकिया करते करते तो एक मुकाम ऐसा आया कि जब हमको तीन चार लोगों को दो तीन सौ रुपया भी बन जाना तो ऐसा लगना कि हाय इतने पैसे आ गए कैसे खर्चेंगे ये आज से बीस बाईस साल पहले की बात है कि तीन सौ रुपया हमारे चार लोगों में बंटेगा अरे हमारे पास तो इतना पैसा आ गया तो उसके बाद चलते चलते जो कंट्राडिक्शन आप समझते होंगे कि सोसाइटी ने देनी थी वो मेरी सोसाइटी ने मुझे बहुत कम दी मेरे घर में से कम मिली मेरी सोसाइटी में मेरे गांव में से कम मिली जो कंट्राडिक्शन और जो मुझे डिप्रेशन और सुप्रेशन मेरे जैसे लोगों से मिले जो मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया था जिन्होंने तो उन्होंने मुझे पकाकर पकाकर सोना बना दिया जैसे विरोध से विकास होता है जिनको मैं सिखाया उन्होंने मुझे कंट्राडिक्शन दिया तो मैं फिर हौली हौली इसको चैलेंजिंग ले गया एक फेज ऐसा आ गया था कि 2006 में मुझे जॉब के ऑर्डर मिल गए थे तो मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं ये काम छोड़ दूंगा लेकिन जिसको मैं, जिन लोगों को मैंने इस फील्ड में लाया था उन्होंने जब मुझे कंडेम और कंट्राडिक्शन करने शुरू कर दिया तो उन्होंने बैक बाइटिंग मेरी करनी शुरू कर दी तो मेरे मन से एक विरोध पैदा हुआ तो मैंने खुद का ग्रुप क्रिएट किया एक लोग से क्रिएट किया था एक से दो हो गए दो से तीन जड़ गए तीन से चार चार से अब कई बार हम तीस तीस पैंतीस पैंतीस लोग भी होते हैं परफॉर्मेंस के टाइम क्या बात है सौ दो सौ लोग मेरे से सीख कर खुद भी अपने ग्रुप्स बना चुके हैं और तीन चार सौ लोग मेरे को फॉलो करके कोई बठिंडा में कोई अमृतसर में और मैं तो सोचता हूं मुझे कई बार लोग कहते हैं कि आपने तो एक एंटरप्रेन्योरशिप पैदा कर दी वो लोग कमाई करते हैं चाहे वो लोग मुझे पहचानते नहीं फॉलो मुझे करते हैं लेकिन मानते नहीं लेकिन मैं कहता हूं कि जब गॉड की कचहरी लगेगी तो वहां गॉड मुझे शाबाश देंगे कि भाई आपने क्योंकि जो डांस का फील्ड चुनते हैं मोस्टली लोग गरीब घरों के लड़के होते हैं दे स्टार्ट दिस स्टेप टू अर्न फॉर देयर फैमिली तो मुझे ये खुशी है कि दीज डेज बीसियों ग्रुप्स पंजाब में चलते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं मेरे वाला ही गाते हैं मेरे जैसे ही आउटलुक्स हैं लेकिन फर्क तो फर्क रहेगा मेरी रूदारी होती है उनको उन उनकी अर्निंग होती है <laughs> रूदारी की बात पे जब आए हैं तो एक सवाल आपके साथ तो ये पूछना ही है मुझे कि लड़कियां जब गिद्दा के लिए ट्रेनिंग के लिए आती हैं तो आपने एक डिव्यू में कहा था कि आजकल की लड़कियों को थोड़ा सा वक्त लगता है कि औरत की जो अदा है वो किस्मत है क्या या औरत ने ढूंढते हैं क्या वो जो नज़ाकत वो आपको लगता है कि आज के जमाने में थोड़ा सा फर्क आपको लगता है पहले जमाने से जी बहुत बहुत फर्क है देखो मैं तो मैं औरत को समझता हूँ हर, हर, हर अंग में उसके हर पहरन में उसके ओढ़न में उसके बेंगल्स पाने में उसके झांझर पाने में उसके बच्चे को दूध पिलाने में उसके अपने घर वाले से भाई से माँ से बाप से बात करने में एक अदा होती है उसके चलने में एक अदा होती है तो आज की जो लड़कियां हैं ना वो देखें कई बार ये वाला मेरी बात कंट्रोडिक्ट्री हो जाती है कि आज की देखो बहुत एडवांस है पढ़ी लिखी हो गई को लड़कों के बराबर और लड़कों के भी आगे काम करती है लेकिन गॉड ने जो एक एक जैसे कहते हैं ना फेयर सेक्स कहते हैं औरत को है ना तो जो सोफिस्टिकेशन एक औरत को दी है उसमें ब, उसके मुजस्मे में उसके स्वभाव में वो आज की लड़कियों को पहले तो वो चलने फिरने की नज़ाकत जैसे की बात है जब हम ट्रायल पे जाते तो पे जाते हैं तो में खड़ी होती हैं तो हाउ कैन इट पे पॉसिबल के जीन में गिद्धा सिखाया जाए तो पहले तो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर ये होता है कि कल को चाहे किसी लड़की के पास एक सूट है रोज एक सूट पाके आ जाओ लेकिन सूट में आना है तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज गिद्दे के मैच की हो जाएगी देखें ये सवाल मेरे खुद पे भी है कि अगर मैं लड़कों की ड्रेस में गिद्धा करता तो मेरी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर उस गिद्धे के अकॉर्डिंग ना होती तो मुझे गिद्धा करने के लिए गिद्धे का रूप धारण करना करना पड़ा ये वेस करना पड़ा ये पहन करना पड़ा तो इसको हमारे गांव में जो पुराने बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं वेस करना वेस करके परफॉर्म करना तो आज की लड़कियों को बड़ा मुश्किल होता है जैसे जेठ जेठ का क्या रिलेशन होता है जेठ से कौन सा रिलेशन होता है भरजाई का तो उसने कैसे उसके साथ वेल करना है घूंघट निकालना है तो सस के साथ कैसा है सस के साथ बातें कैसी हैं, सस के साथ लड़ाई कैसी है उसने अपने माही से और आशिक से बात करनी है रांझे से बात करनी है तो ये तो बहुत क्रिएटिव होता है तो मुझे वो सभी कुछ बताना पड़ता है कुछ लड़कियां तो सीख लेती हैं बहुत सारी ऐसे होता है कि स्टीरियो होती हैं तो कई बार मुझे लगता है भाई मैंने गिद्दा सिखाया कि पपेट डांस सिखाया है <laughs> तो कई बार इस बार सॉरी नूर पर मुझे इस बात पे बहुत हंसी आई पपेट नी, डांस नी, मुझे होता है, है। आ, नहीं नहीं मुझे खुद को होता है है ना तो इस बार मे, मेरी ए एस कॉलेज खन्ना की टीम इंटर जोन में फर्स्ट आई है तो वो लड़कियों को मैं सल्यूट करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लड़कियों को चरण वंदना करूं उसमें हरमन गिल लड़की थी तो उन्होंने जो मैं सिखाया तो उसको उन्होंने हजार गुना बेटर करके दिखाया तो जब उन्होंने जोन में और इंटर जोन में परफॉर्म किया था तो मेरी आंखों में से आंसू गिर रहे थे कि हाय यार जोरे तैंग दस खाया सिखाया और वो गिद्धा द बेस्ट और फिनोमिनल गिद्धा था वो मैं नहीं कह रहा लोग कह रहे तो कह रहे थे कि यही फर्स्ट आया अगर ये फर्स्ट ना आया तो फिर कोई गिद्धा नहीं है वो लड़की बेस्ट डांसर आई तिरिंजन का सेटल गया था और जो सेकंड टीम आई वो भी मेरी ही थी इंटरजोन में तो कभी कभी ऐसा हो जाता है वो गॉडली हेवनली इमोशंस आ जाती हैं कभी ऐसा होता है कि लड़कियां मेरे जैसा भी नहीं डालती तो फिर वो तो पपे डांस ही होगा ना कई बार ऐसा भी हो जाता है <laughs> <laughs> अब जोरे से मुझे कुछ सवाल है जोरे से मुझे सवाल है मेकअप के बारे तो आप कि जो जॉलाइन है वो तो सॉफ्ट है लेकिन मैंने देखा है कि आपने जो मेकअप में बहुत शार्प नहीं होता है आपके आईब्रोज और लिप्स स्ट्रोंग है आपके कौन से फीचर्स है जो हाईलाइट करते हैं और कौन से वाले मेकअप प्रोडक्ट के बगैर आप कभी भी नहीं अपनी परफॉर्मेंस करते इस इस मेकअप में मैं करना जानता हूं सभी कुछ जो जो होता है तो मुझे इसमें बिल्कुल मैं एक्सपर्ट नहीं हूं ये की बात है मुझे कुछ भी नहीं पता इसका कि क्या करना है बस जो हो जाता है तो पहले आज से दो तीन महीने पहले तक मैं खुद करता था तो लेकिन अब मुझे मुझे बाहर से लोगों से वो कॉल आने लगे कि अब तुम्हारा स्टेटस मुझे नहीं पता मैं तो वो जोरा हूँ गांव का जोरा हूँ मास्टर हूँ तो आपका नूर हूँ लोगों का नूर हूँ लेकिन मुझे अभी देखो जो ड्रेस है जो ज्वेलरी है जो चुन्नी लेने का स्टाइल है जो वो मेरा वो मुझे बहुत शौक है मुझे ऐसा होता है कि मैं हर प्रोग्राम पे डिफरेंट ड्रेस डिफरेंट उस उसपे वर्क डिफरेंट उस उसपे जो एम्ब्रॉयडरी है वो लूँ चुन्नी के डिफरेंट स्टाइल्स लूँ फुलकारी जुत्ती का मुझे बहुत शौक है बैंगल्स और जिल लेकिन मेकअप में के मामले में मैं बिल्कुल लेमैन हूँ कर लेता हूँ करता था लेकिन अब मेरे जो मेकअप में एक्सपर्ट जिन्होंने की हुई हैं दो तीन आर्टिस्ट तो अब जो आईज बनाते हैं वो बनाते हैं मेरे मेरा नाक थोड़ा सा बिंगा है है ना बिंगा का <laughs> तो मतलब तो, क्या होता है नूर टेढ़ा 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 है मेरा नाक थोड़ा ना सेंटर से टेढ़ा है वो वो बचपन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था मैं गिर पड़ा था बुलेट मोटरसाइकिल से तो शायद तब बिंगा हो गया मुझे नहीं मालूम तो उसकी हड्डी थोड़ी बिंगे तो उसको सीधा कैसे करना है तो अब मेरे वो मेकअप बेस में अब अब मैं बेस बनाए बैठा हूं क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम है तो बेस मैंने बना लिया क्राइलन के बेस चिक से और क्राइलन का पैनकेक लगा लिया तो अब थोड़ा डस्ट पाउडर होगा तो वो लगाऊंगा तो वो अब उसके बाद का हाइलाइटर कैसे लगाना है आईब्रोज कैसे बनानी आईब्रोज मैं खुद बनाता हूं, लेपिस्टिक मैं खुद बनाता मैं लगाता हूं। लेकिन जॉ लाइन जो, जो वो, वो वो मेरे आर्टिस्ट हैं तो अब वो करते हैं मुझे मुझे अच्छा लगता है मुझे थोड़ा सा फेस मेरा और क्यूट लगने लगा लगता है कि नहीं लगता मेरे को तो ऐसा होता है मैं मैं माहौल से कहता हूँ भाई कई बार ये मेरे आर्टिस्ट कहते हैं आज तो गुरु लड़की लगते हैं मैं कह मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ भाई मुझे कौन देखता है आप लड़की है आपको लोग देखेंगे तो वो कहते हैं कि भाई जब आप डांस करती है तो लोग आपको ही देखते हैं हम जैसे जितनी मर्जी खूबसूरत लड़की हमें तो कोई देखता ही नहीं तो ये वाहिगुरु का भगवान का गॉड का आशीर्वाद है कि जब डांस शुरू होता है मेरा मेरे मेरे ना बचपन में से इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं खूबसूरत नहीं हूं पता नहीं मैं अब भी मुझे ये है कि मेरा मेरा फेस है जो फोटोजेनिक नहीं है खूबसूरत नहीं है मेरा फेस टेढ़ा आ जाता है फोटो में तो लेकिन जब मैं लड़की बन जाता हूँ परफॉर्मर बन जाता हूँ तो मेरे घर की जो मेरी मासी मामी की लड़कियां कहती हैं कि आप तो सर्बजीत बन जाते हो सर्बजीत मेरी सिस्टर थी जिसकी डेथ हो गई थी तो मुझे लगता है कि मेरी बहन का रूप मेरे पर चढ़ जाता है तो फिर मैं परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्म करता हूँ। नूर बिफोर आई एंटर डेज एपिसोड फॉर ऑल माय लिसनर्स आई कैन फील द लाइट ऑफ नूर एंटरिंग इनटू माय एंटायर हार्ट एंड सोल पीपल लाइक नूर आर रिबेल्स हु हैव गॉन आउट एंड क्रिएटेड अ स्पेस फॉर देमसेल्व्स दैट everybody doesn't have the the courage to 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 do so to walk alone take on on an art art form form that's a feminine art form and continue to march on that road so, Noor, before I end the show today स्ट में आए और बैंगलोर से बैठ के आपको मैं जबिया भेज रही हूँ और जी, जी, बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ मुझे आ, कहीं से देखा पढ़ा किसी बड़े मैगजीन में से यार आपने उससे बड़ा काम किया और मुझे लगता है कि मैं एक देसी सा लड़का जोरा एक गांव में बैठा हूँ एक टीचर हूँ पढ़ा हूँ लेकिन मुझे मुझे खुद की लाइट का पता नहीं और ये मेरे लिए पॉजिटिव है अगर किसी को खुद की लाइट का पता चल जाए मेरी फिलॉसफी है मेरी राय है तो वो अपनी लाइट से स्पॉयल हो जाता है लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरी लाइट जो कुछ भी है थोड़ी सी मोमबत्ती की दीवे की आपको महसूस हो या, आपने मुझे अप्रोच किया आपने मेरे से बातें की और मैं आपका नतमस्तक होकर शुक्रगुजार हूँ सुन भी रहे होंगे और महुआ जी आपका आपकी पूरी टीम का आपके जो ये शो है सभी का जो आपके आपको कोऑपरेट करते हैं मैं भी बहुत यहाँ पे सल्यूट कर रहा हूँ शुक्रगुजार हूँ आपने बहुत अच्छी बातें की We'll life, so we'll Before I end the show, thank you so much for being on today's episode. And I look forward to meeting Noor in person or having him in Bangalore for people to watch the magic of Noor and his guitar performance. Thank you, Noor, for being on today's show. To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services Spotify, Amazon Music, Apple podcast and of course on all other major streaming services with loads of love we are the Mohua show where we talk imandari se